हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू सी डी एस अकेडमिया आई एम अंजलि सिंह एंड आई विल बी टीचिंग यू हिस्ट्री फॉर सी डी एस एग्जाम आई नो हिस्ट्री कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट हिस्ट्री इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल सब्जेक्ट एंड बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू हिस्ट्री इज जस्ट अ स्टोरी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट ये गलत है हिस्ट्री में क्वेश्चन रिपीट होते हैं ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते या देखने को नहीं मिलते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और ये जो सीरीज आने वाली है हिस्ट्री की ये उन्हीं उसी उसी क्वेश्चंस पे बेसिस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं बहुत बार हुए हैं तो उनको एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वैसे ही कुछ टॉपिक्स जो बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे बुद्धिज्म है इसमें से क्वेश्चन देखने को हर बार मिला है सूफिज्म है भक्ति ट्रेडिशन है इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं उसके बाद यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं फिर जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं जितने भी नॉन जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट है या क्रिप्स मिशन है इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं लोग ऐसा बोलते हैं ये मिसकनसेप्शन है कि मॉडर्न इंडिया करा दो मॉडर्न इंडिया करा दो उससे हो जाएगा बट ऐसा नहीं है जित, अभी तक जितने भी पेपर देखे गए हैं उसमें ट्रेंड जो है चेंज हो गया एनशियन से क्वेश्चन आ रहे हैं लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहे हैं एंशियन लिटरेचर जितने भी हैं संगम लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसके बाद जितने भी मीडियवल इंडिया में जो पेंटर्स थे उनका जो आर्किटेक्चर था उससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो ये तो मिसकनसेप्शन अपने दिमाग से हटा देना कि हम सिर्फ मॉडर्न कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपके पेपर हो जाएंगे ऐसा नहीं है हमारा मेरी अप्रोच ये रहेगी कि हम जो भी करें उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले पेपर में तो जो भी ये सीरीज आएगी उसको बहुत ध्यान से पढ़ें उसके नोट्स बनाएं खुद और ज्यादा टेंशन ना लें क्योंकि जितना आप लोग टेंशन लेंगे उतना ही कम चांसेस होते हैं बहुत आराम से पढ़ो हिस्ट्री कुछ नहीं है हिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है ये सिर्फ एक स्टोरी है और ऐसी ही स्टोरी आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में हम पढ़ेंगे यूरोपियन ट्रैवलर्स और फॉरेन ट्रैवलर्स जो एंशियट इंडिया में आए थे और जो मिडीवल इंडिया में आए थे एंशियट इंडिया uh, के जो ट्रैवलर्स हैं वो उन कोश, उनपे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए हम पढ़ेंगे ये एंशियंट ट्रैवलर्स तो पहले जी पहले जो आए थे वो हैं डायमकस ये ग्रीक एम्बेसडर थे ये किसके रेन में आए थे ही केम इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंदुसार ठीक है उसके पास मिगस्तनीस है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीक एम्बेसडर है सेलिग निकटर का एम्बेसडर था ये चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल कर रहे थे भारत में तब ये भारत आए थे और इन्होंने एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जो है इंडिका इंडिका में ये बहुत और भी चीज़ें बताते हैं जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में बताते हैं कि कितने तरह के प्रोफेशंस थे इंडिया में इंडियन सोसाइटी के बारे में बताते हैं और भी कुछ चीज़ें स्लेवरी के बारे में बताते हैं कि क्या वो थी कि नहीं थी ऐसी कुछ चीजें ये बताते हैं जो हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है उसके बाद नेक्स्ट जो थे वह थे टॉलमी ये ग्रीक थे इन्होंने बुक लिखी है जोग्राफी ऑफ इंडिया जो कि एंशंट इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है अब ये बताओ कि क्यों क्यों ये लोग इंडिया आ रहे थे इंडिया क्यों मतलब ऐसा क्या था कि जो इंडिया में ऐसा क्या था कि जो इंटरेस्ट बन रहा था इन स्कॉलर्स का इन ट्रैवलर्स का एवरी वॉयज इज़ इंस्पायर्ड बाई नेचुरल ह्यूमन लॉन्गिंग ऑफ पीपल टू सी एंड टू एक्सप्लोर न्यू वर्ल्ड हम क्यों कहीं बाहर जाते हैं एक्सप्लोर करने जाते हैं कुछ चीज़ें सीखने जाते हैं कुछ चीज़ें देखने जाते हैं तो ऐसे ही जो ट्रैवलर्स थे इनको क्या मिलता था इनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कहाँ से मिलती थी मर्चेंट से मिलती थी ये जितने भी मर्चेंट्स थे ये आते थे ये ट्रैवल करते थे करते थे फिर वापस अपने शहर में अपने अपने देश में जाते थे तो ये जाके वहाँ बताते थे तो उसी चीज से इंस्पायर होकर लोग इंडिया में आ रहे थे ऐसे ही एक ये ये से आया था ये चाइनीज बुद्धिस्ट मंग था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रेन के टाइम पे आया था और इसने लॉर्ड बुद्धा की लुम्बिनी जो बर्थ प्लेस है वहां पे ये गए थे और भी बहुत सारी जगह ये गए थे इन्होंने बुक लिखी है की जितने भी बुद्धिस्ट से रिलेटेड प्लेसेस हैं, फायन वहाँ वहाँ पे फायन ने ट्रैवल किया है उसके बाद कुछ और ट्रैवलर्स थे जो इम्पोर्टेंट हैं एंशियन ट्रैवलर्स जैसे कि ह्यूएन सांग ये भी एक बुद्धिस्ट मंग थे ये हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे और इन्होंने जो बुक लिखी है वो है सी यू की और रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड ही इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे बताते हैं कि कैसे हर्षा के रेन में ट्रैवल करना ट्रैवल कैन बी डिफ़िकल्ट अटैक करते थे लोग रॉबरी होती थी तो इन्होंने अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर किया है इन शॉर्ट उसके बाद यहाँ पे हमारे एशियन ट्रैवलर्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद हमारे अरब ट्रैवलर्स की शुरुआत होती है अल मसूदी पहले अरब ट्रैवलर थे अरब ट्रैवलर इन्होंने अप, इंडिया के बारे में बताया है अपने वर्क में मुरुस उलहाब में उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है अलबरूनी जो कि भारत आए थे किसके साथ आए थे महमूद गजनी के साथ आए थे जब वो यहाँ पे रेड करने आया था महमूद गजनी के साथ ये इंडिया आए थे ये भी अरब ट्रैवलर है इनके इन्होंने बुक लिखी है तहकीक हिंद और किताबुल हिंद किस में लिखी है अरेबिक में लिखी है और ये भी याद रखना कि जो भी लैंग्वेज में बुक लिखी जाती है वो कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में वो किताब उन्होंने लिखी थी वो बुक उन्होंने लिखी थी क्या अलबरूनी बताते क्या है अलबरूनी हमारे देश में इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था उसके बारे में बताते हैं कि सोसाइटी में जाति के नाम पे कैसे भेदभाव चल रहा था और ज़्यादातर ये इन्फ्लुएंस किससे थे ये इन्फ्लुएंस थे हमारे संस्कृत टेक्स्ट और ब्राह्मणास के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे वो एक्चुअली ये ना इन्होंने बहुत टाइम अपना बनारस में एक स्पेंड किया था तो वहाँ पे जितने भी पंडित इनसे मिले उन लोगों के से उठने बैठने के साथ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी चेंज हो गया था और उसी के बेसिस पे इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है कैसे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम था क्या क्या चीज़ें थी उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स मीडियावेल इंडिया की अगर हम बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं अगर आप इतनी भी चीज़ें कर लेंगे तो पेपर में एक दो क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे सबसे पहले है मार्कोपोलो इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एक मर्चेंट थे कहाँ से आए थे वेनिस से आए थे कहाँ मतलब इटालियन ट्रैवलर थे ये एक इटालियन ट्रैवलर थे ये पूरा यूरोप एशिया घूम कर आए थे इनका टाइम पीरियड है 1271 सेवेंटी वन टू ट्वेल्व इन्होंने जो बुक लिखी है जो कि इम्पोर्टेंट है वो है ट्रैवल्स ऑफ मोर्को मार्कोपोलो मार्को पोलो इंडिया में आए इंडिया में जब तमिल पांड्यास का किंगडम था वहाँ से इन्होंने एंट्री की सदर इंडिया में रुद्रमा देवी जो कि काकितया डायनेस्टिक से में रूल कर रही थी उनको इन्होंने विजिट किया और ये इकलौती एंशियंट रूलर हैं वुमेन रूलर रुद्रमा देवी पोलो तमिलनाडु और केरला भी विजिट करते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे इब्न बतूता के बारे में ही इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये इंडिया में आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के ट्रेन के टाइम पे एक्चुअली इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना था तो उससे ये एकदम इंस्पायर होके अट्रैक्ट हुए थे और इसलिए ये इंडिया में आए थे ये इंडिया में थर्टीन थर्टी थ्री एडी से थर्टीन फोर्टी सेवन तक ये इंडिया में रुके थे इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन इब्न बतूता ये भी एक मोरक्कन ट्रैवलर थे उसके बाद इन्होंने जो बुक लिखी है वो है रेहला जो कि अरेबिक में लिखी गई है मैंने आपको बता दिया कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में आए थे सुल्तान ने इनको काजी अपॉइंट किया था आप काजी अगर नहीं समझ में आएगा तो जज भी अपॉइंट किया था सुल्तान ने इनको इब्न बतूता इंडिया की इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो भी चीज़ें थी उनके बारे में बताते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं इब्न बतूता दिल्ली के बारे में बताते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर था बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी और लार्जेस्ट था इंडिया में उसके बाद ये दौलताबाद के बारे में बताते हैं कि ये महाराष्ट्र में क्योंकि आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट कर ली थी तब इब्न बतूता यहीं पे थे जब शिफ्ट हुई थी कैपिटल तो वो बोलते हैं कि दौलताबाद भी दिल्ली के ही बराबर बड़ी थी इबन बतूता ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो हमारे पॉइंट पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि ये पोस्टल सिस्टम के बारे में बताते हैं ये क्या बोलते हैं कि दिल्ली से सिंध जाने तक बंदे को पचास दिन लग जाएंगे लेकिन पोस्टल सिस्टम इतना इतना एफिशिएंट था कि पाँच दिन में खबर पहुंच जाएगी मोहम्मद बिन तुगलक के पास कि कौन से राज्य में क्या हो रहा है कौन से प्रोविंस में क्या हो रहा है तो ये था पोस्टल सिस्टम जो कि बहुत ही एफिशिएंट था ये इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं कि सॉल सॉइल बहुत फर्टाइल थी दो क्रॉप्स उगाए जाते थे और बाकी सारी चीज़ें ये ट्रेड के बारे में हमारी बात करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं आप पी आपको मिल जाएगी जो कि आप रीड कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी मैंने आपको बता दिया कि पोस्टल सिस्टम इतना एफिशिएंट था कि इट टू फिफ्टी डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध द न्यूज रिपोर्ट ऑफ स्पाइस वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट फाइव डेज पाँच दिन में खबर सुल्तान तक पहुँच जाया करती थी उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो ट्रैवलर हैं फॉरेन ट्रैवलर ये कहाँ से आए थे ये आए थे इटली से कौन है ये ये निकोलो कॉन्टी इनका टाइम पीरियड है 1420 टू फोरटीन ही इज अ इटालियन ही वॉज अ इटालियन मर्चेंट विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण देवराया वन ऑफ विजयनगर ये विजयनगर कैपिटल के बारे में बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं याद रखना है कि वो इटालियन ट्रैवलर था जितने भी ट्रैवलर है वो कहाँ से आए थे वो कौन थे वो मोरकन थे वो पर्सिया से आए थे वो इटली से आए थे वो फ्रांस से आए थे कि वो कहाँ से आए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा उसके बाद एक और ट्रैवलर है हमारे अब्दुल रजा ये 1443 1444 के टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे ये एक पर्शियन ट्रैवलर थे ही वाज एम्बेसडर ऑफ शाहरुख ऑफ तिमुरिद डायनेस्टी केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ देवराया संगमा डायनेस्टी केम इंडिया एट एटरिन कलिकत ये विजयनगर के शहरों के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है क्योंकि ये इधर विजयनगर एम्पायर में जब देवरा सेकेंड का रूल था तब ये भारत आए थे और विजयनगर के शहरों के बारे में बताते हैं कि शहर कितने बड़े थे या फोर्टिफिकेशन कैसे थे इन सब के बारे में बारे में ने बताया है उसके बाद अगला यूरोपियन ट्रैवल अगला यूरोपियन ट्रैवलर है निकितिन फॉरन ट्रैवलर सॉरी ये रशिया से आए थे ये बहामनी किंगडम की कंडीशंस के बारे में बताते हैं ही केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ मोहम्मद थर्ड ऑफ बहामनी सुल्तान फोर्टीन सिक्सटी थ्री एंड एटी टू इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है तो जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज नेक्स्ट जिनके बारे में हम बात करेंगे वह हैं है बहुत ही इंपॉर्टेंट विजयनगर किंग थे इन्होंने विजयनगर के गवर्नमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया है कि रूल कैसा था पीपल कैसे थे लोग कैसे थे विजयनगर एम्पायर में कंडीशन क्या थी बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया है नेक्स्ट वन इज डोमिंगो पीस वेरी इंपॉर्टेंट और इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फिफ्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू टाइम पीरियड है विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण देव जितने भी विजयनगर के टाइम पे ज्यादातर आपको पोर्तुगीज ट्रैवलर देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रैवलर किसके रेन के टाइम पर आया देवराया सेकेंड के टाइम पर आया कि देवराया फर्स्ट के टाइम पर आया कि केडियार के टाइम के पर आए केडीआर कृष्ण देवराया अचुत देवराया के टाइम पर आए तो ये याद करना पड़ेगा डोमिंगो पीस एक डिस्क्रिप्शन देते हैं विजयनगर के बारे में जब वो लिखते हैं तो वो बताते हैं कि शहर के बारे में साइज के बारे में आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत, -बहुत बड़ा है। एक जगह से आप इसे नहीं देखोगे और कि तो रीड कर लेंगे ये सारी चीजें एनसीआर से ली गई है। हैं बहुत इंपॉर्टेंट है तो पीडीएफ क्लास के बाद पी डी एफ जरूर देख लेना उसके बाद नेक्स्ट ट्रेवलर है ये भी कहाँ से आए थे ये भी भैया पोर्तुगीज से आए थे इनका टाइम पीरियड है ऑफ़ तो की जब जब शुरुआत हुई थी तब से किंगडम डिक्लाइनिंग फेस में था ऑलमोस्ट खत्म हो गया था तब तक लिखा है सब कुछ बताया है उसके बाद हमारे नेक्स्ट है एंथनी मोन्ट ये भी पोर्तुगीज थे एक्चुअली ये एक मिशनरी थे जो किन मिशनरीज इनका मेन मोटिव था रिलीजन कन्वर्ट करवाना तो ये किसके टाइम किसके किससे मिलने गए थे ये अकबर से मिलने गए थे अकबर ने काफी टाइम तक इनको अपने कोर्ट में रखा लेकिन बहुत कुछ सीखा भी अकबर ने पर अकबर ने अपना रिलीजन नहीं चेंज किया था 1578-1582 का इनका टाइम पीरियड है केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर नेक्स्ट जो है वो है रैल फिच ये पहला इंग्लिश ट्रैवलर था जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर टू विजिट इंडिया केम ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर टाइम पीरियड 1585 टू टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा सोचना कि आपको टाइम पीरियड याद नहीं करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि क्रोनोलॉजी क्यों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये सारे के सारे ट्रैवलर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं इसीलिए टाइम पीरियड इज इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो फॉरेन ट्रैवलर हैं वो हैं विलियम हॉकिंस फ्रॉम इंग्लैंड ये भाई साहब आए थे जहांगीर के टाइम पे जहांगीर कौन है ये तो आपको पता ही होगा अकबर का बेटा है अब इतनी सी बात नहीं पता तो, तो फिर कुछ और ही बात है एडी से 1613 एडी तक ये भारत में रहे थे ये थे कौन ये एम्बेसडर थे जेम्स वर्न किंग ऑफ इंग्लैंड इनसे कुछ हुआ नहीं तो फिर ये वापस चले गए उसके बाद सर थॉमस रॉय आए थे इंग्लैंड से ये भी जेम्स वन के ही एम्बेसडर थे ये भी जहांगीर के पीरियड में आए थे पीरियड है इनका टाइम पीरियड सिक्सटीन फिफ्टीन टू नाइनटीन एक्चुअली ये आए क्यों थे ये लोग आ क्यों रहे थे इंग्लिश इंग्लैंड से जितने भी ट्रैवलर्स आ रहे थे उनका मेन मोटिव था सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन लेना तो इसीलिए ये आ रहे थे विलियम हॉकिंग्स को वो परमिशन नहीं मिली थी और थॉमस रॉय को परमिशन मिल गई थी तो फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी नेक्स्ट है फ्रांसिस्को ये ये एक डच ट्रैवलर थे ये भी बहुत है क्योंकि ये भारत की गरीबी के बारे में बताते हैं ये गरीबी को देख के बहुत बहुत ज्यादा शौक में थे 1620, 27 टाइम पीरियड है ये जहांगीर के टाइम पीरियड में आए थे ही वॉज शॉक टू सी द दाइट स्प्रेड पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू हिम पॉवर्टी वॉज सो ग्रेट एंड लाइफ ऑफ पीपल वो सो मेजरेबल मतलब ये बताते हैं कि जो लाइफ थी भारत में लोगों की वो बहुत ज्यादा बेचारे गरीब थे और गरीबी बहुत ज्यादा थी और जितने भी नोबल्स थे जो राजा थे जो एम्पायर थे वो अच्छी लाइफ जीते थे और बाकी जो आम आदमी था जो मैंगो मैन था या जो कॉमन पीपल था वो बहुत ही बहुत ही बुरी जीवन व्यतीत कर रहे थे बेचारे तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था स्टेट को रिस्पॉन्सिबल बोलते हुए ब्रेड इज लेफ्ट टू फिल देयर स्टमक अब इन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोली है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट क्योंकि ये आपका एक पीवाई क्यू है ये पीवाई क्यू में स्टेटमेंट आई थी और पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है सो मच इज रंग फ्रॉम द पीजेंट पीजेंट मतलब से इतना इतना ज्यादा रंग का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल ही बोलते ना निचोड़ लेना तो जो स्टेट है वो बेचारे किसानों से सब कुछ ले लेता था कि उनके पास एक सूखी ब्रेड भी नहीं बचती थी या वो भी पता नहीं बचती भी थी कि नहीं बचती थी तो ये जो स्टेट है मुगल स्टेट जो है मुगल नोबल्स जो थे मुगल जो एम्पयर थे हमारे जहांगीर उनकी ये बात कर रहे हैं और उनको ये रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं इसलिए कि आप ये जो गरीबी का जो कारण है ये जो बेचारे पीजेंट्स हैं इनको एक ग्राई ड्राई ब्रेड भी नसीब नहीं हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे नोबल्स एम्पायरस और बाकी सारे जो बड़े बड़े लोग थे वो सब कुछ ले लेते थे, थे अपना पेट भरने के लिए वो दूसरों को भूखा रख रहे थे और यही इसी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा थी नेक्स्ट है पीटर मुंडी मुंडी जी आए थे भारत में कब आए थे और कहाँ से आए थे इटली से आए थे ठीक है टाइम पीरियड है 1630 थर्टी तो टू थर्टी फोर ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहाँ मुगल एम्पायर ये भी लिविंग स्टैंडर्ड बताते हैं कॉमन पीपल की आम आदमी की मैंगो मैन की कि मुगल एम्पायर में एक आम आदमी का जीवन कैसे था कैसे रहते थे वो लोग नेक्स्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है जीन बैप्टिस्ट टेवरनियर ये आए थे फ्रांस से ये एक फ्रांस जूलर थे फ्रेंच टाइम पीरियड 1641 केम इन मुगल एम्पायर शाहजहां एंड औरंगजेब छह बार भारत आए ये एटलीस्ट सिक्स टाइम ये इंडिया आए थे ये ट्रेडिंग कंडीशन से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड थे इन्होंने इंडिया को ईरान और ऑटोमन एम्पायर से कंपेयर किया है नेक्स्ट जो बंदा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और पीवाई क्यू भी मिला है वो है मनुची फ्रॉम इटली टाइम पीरियड पीरियडीन सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स केम इन द रेन ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब ये एक इटालियन डॉक्टर थे ये इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट को दिमाग में बैठा लेना ही नेवर रिटर्न टू यूरोप इन्हें भारत इतना पसंद आया कि कभी यूरोप गए ही नहीं एंड सेटल डाउन इन इंडिया ये पी वाई क्यू है पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा वो यूरोपियन ट्रैवलर है जो एक बार भारत आया तो वापस कभी गया ही नहीं वो है ये मनुची और ये दाराशिको के कोर्ट में थे ओके नेक्स्ट वन इज़ बर्नियर ये बहुत अलग आदमी है फ्रेंच डॉक्टर था ये इनकी बातें भी बहुत अलग है ये सिक्सटीन फिफ्टी एट टू टाइम पीरियड है ंगजेब द मुगल एम्पायर ही वॉज अ फ्रेंच डॉक्टर बारह साल ये भारत में थे कब से कब तक फिफ्टी सिक्स से क्लोजली एसोसिएटेड थे मुगल डॉक्टर मुगल कोर्ट से और ये फिजिशियन थे किसके फिजिशियन थे ये प्रिंस दारा शिको के फिजिशियन थे ये भी एक पी वाई क्यू है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसी चीजें बोली है तो ये फिजिशियन थे प्रिंस दारा शिको के तारा शिको एंपायर शाहजहां के बेटे थे बड़े बेटे और ऐसे छोटा बेटा था रोग अकाउंट ऑफ व्हाट ही सो फ्रिक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट ही सो इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप ये ऐसा आदमी था कि ये भारत में कुछ भी देखता तो ये फ्रांस से कंपेयर करता एक्चुअली इसका मेन मोटिव था कि ये लुईस 14 के लिए ही लिख रहे थे तो इनके फेवर को गेन करने के लिए वो लोग नहीं होते जो बहुत मक्खन लगाते हैं बहुत बटरिंग करते हैं। वैसे ही थे बर्नियर साहब इन्होंने जो भी भारत में देखा सिंपली इन्होंने इन्होंने फ्रांस फ्रांस से कंपेयर कर दिया। इन्होंने बोला कि फ्रांस इतना अच्छा है जितना अच्छा फ्रांस है उतना ही नीचे इंडिया है अब ये कोई बात थोड़ी होती है यार तो ही डेडिकेटेड मेजर राइटिंग अपने लेटर्स लिख के पत्र लिख लिख के फ्रांस भेजते थे लेके जाते थे पता नहीं और ये कंडीशंस बताते थे कि इंडिया में तो लोग ऐसे रहते हैं इंडिया में तो इतनी गरीबी है इंडिया में ये इंडिया में वो और इंडिया को इन्होंने ब्लिक सिचुएशन बोला था और कंपेयर किया था डेवलपमेंट्स जितनी भी यूरोप में हो रही थी उनके साथ कंपेरिजन किया था इन्होंने बुक लिखी है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इसे कृपया दिमाग में बैठाए रखें ये एक पी वाई क्यू बोल सकती हूँ मैं और ये बंदा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इतनी अतरंगी बातें करके गया है इसीलिए इन्होंने चाइल्ड प्रैक्टिस चाइल्ड सती के बारे में भी बताया है एक्चुअली इन्होंने एक सीन देखा था लाहौर के आसपास जहाँ पे एक छोटी सी बच्ची जो कि 12 साल की भी नहीं थी उसको जबरदस्ती ब्राह्मणों ने पंडितों ने और एक बूढ़ी औरत ने बैठा दिया था जाकर मतलब जिंदा जला दिया था तो ये वाला सिचुएशन बर्नियर ने देखा और बर्नियर बहुत ही शॉक था ये सिचुएशन को देखकर जिसके बारे में वो बताते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक राइटिंग थी इनकी सती वाली प्रैक्टिस इतने ही ट्रैवलर्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे अब हम कुछ पी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ठीक है पहला क्वेश्चन डोमिंगो पीज द मिडिवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब सिटी ऑफ ये सीजीएस टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन के टाइम में ये क्वेश्चन आया है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कौन सी सिटी के बारे में ये बता रहे थे इन्होंने सिटी को रोम से कंपेयर किया था कौन सी सिटी थी तो आंसर क्या होगा आंसर होगा बी विजयनगर विजयनगर को कंपेयर किया था रोम से तो विजयनगर के बारे में ये बताते हैं एंड ही विजिटेड यूरिंग द रेन ऑफ कृष्ण देव रया कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ये? ये आया था अभी हमने पढ़ा कि ये प्रिंस दाराशिखो के फिजिशियन थे दाराशिखो कौन है एल्डेस्ट सन है किसके शाहजहां के औरंगजेब के भाई है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इब्न बदूता वेन टू चाइना एज अ ऑफ ऑफ वन द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान तो ये किसके दूत बनकर दिल किस दिल्ली सुल्तान के दूत बनकर ये चाइना विजिट किया था इन्होंने तो ये किसके टाइम पे आए थे सिंपल है ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको जज अपॉइंट किया था काजी अपॉइंट किया था तो उन्होंने ही इसको भेजा होगा तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किताब उल हिंद ये तो मैं नहीं बताऊंगी आप लोग खुद ही कर लेना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना अगली रिकॉर्डिंग में मैं इसके आंसर को डिस्कस कर लूँगी विच हुआ फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया बहुत सिंपल है मैं बता चुकी हूँ कि किसको भारत बहुत पसंद आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे ही नहीं हो सकता है कोई और भी रीजन हो है ना कोई पसंद पसंद आ गया हो तो मनुची जिनको भारत बहुत पसंद आया और ये वापस गए नहीं देखो। से इतना इतना ज़्यादा निचोड़ लिया गया था उनको बिचारों को कि उनके पास एक ड्राई ब्रेड भी नहीं बचती थी अपना पेट भरने के लिए ये किस यूरोपियन ट्रैवलर ने ये स्टेटमेंट दी है जो कि पीजेंट्री के कंडीशन के बारे में बताता है मुगल एंपायर के टाइम में तो कौन थे ये ये थे पेल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने सारे फॉरेन ट्रैवलर्स डिस्कस कर लिए जो इम्पोर्टेंट थे बर्नियर को हमने डिस्कस कर लिया टैवर्नियर को कर लिया हमने अरब ट्रैवलर्स को कर लिया अलबरूनी को कर लिया हमने मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता को कर लिया ये कैसे मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आए थे हमने एनशियन ट्रैवलर्स को भी डिस्कस किया मेगस्तनीस को किया फाइन को किया ये चाइनीज थे को किया ये भी चाइनीज हॉन्ग थे इन सबको हमने डिस्कस किया उसके बाद हमने टोमेंगो पीस को किया पारबोसा को किया रैल को किया जो कि पहले इंग्लिश ट्रैवलर थे इंडिया में आने वाले इन सारे ट्रैवलर्स को हमने डिस्कस कर लिया और हमने कुछ पी वाई क्यू भी देखे और हमने ये भी देखा कि जो भी हमने पढ़ा है वो पी वाई क्यू में आ रहा है इसका मतलब डरने की बात नहीं है इस टॉपिक से आपके एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा अगर आप ये भी गलत करोगे तब तो खैर कुछ बोल नहीं सकते हैं लेकिन हाँ इसकी गारंटी है कि एक क्वेश्चन तो आएगा यूरोपियन ट्रैवलर्स से बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अब हम मिलेंगे अगले रिकॉर्डिंग अगले वीडियो के साथ जो कि ऐसे ही किसी रिपीटेड टॉपिक पे होगा मे बी मे बी भक्ति ट्रेडिशन मे बी सुपिजम मुझे नहीं पता अभी बट हम बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो तब तक इस पी को पढ़ लें पी आपको अवेलेबल हो जाएगी सी डी एस अकेडमिया के टेलीग्राम चैनल पे लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू सो मच बाय बाय और जय हिंद